अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 19 पैसे की बढ़ोतरी की है। सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स पर हुए ड्रोन हमले के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया था, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को स्थिर रहने के बाद बुधवार को नीचे आ गईं। मगर फिर भी भारत की तेल की कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 19 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 72 रुपए 71 पैसे और 1 लीटर डीजल 66 रुपए 1 पैसे में मिल रहा है। अगर बात मुंबई की करें तो यहां तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 78 रुपए 39 पैसे और 1 लीटर डीजल 69 रुपए 24 पैसे में मिल रहा है। इससे पहले बुधवार को तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 25 पैसे और डीजल के दाम में 24 पैसे की बढ़ोतरी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।